Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। इस घर च किसी ने किसी ते कोई वशीकरण नहीं किया। दिवान जो कुछ भी कर रहे ने अपने होस्ट कर रहे ने। सो तुसी इत्थों जा सकते हो। हाथ च नजर आ रहा तेरे खून है। किसे तो बदला लैन दा तेरिया अखा च जनून है। चाल तू चलेंगी ते भुगतनगे सारे। मंजिल तक पहुंचना चाहनी है एक बच्चे दे सहारे। ये तो कोई ज्ञानी लगते ने। जिन्होंने जैस्मिन की शक्ल वेख के ही अगा पिछा सब दस दिता। यह तो बड़ा खतरनाक आदमी लगता है। जे मैं ये नाल बहस की तो इन्हें मेरे अगले पिछले सारे राज खोल देने। मैनु जैस्मिन ते शक है कि उन्हें दिवांश के नाल व्याह कराने लई सतर दा वशीकरण किया। हो सकता है कि इन्हें इस काम लई किसी बाबे या तांत्रिक का सहारा लिता हो। तो मैं अपने शक को दूर करने लिए स्वामी जी ने इत्थे बुलाया। मैनु नहीं लगता कि सानू जैस्मिन ते शक करना चाहिए। नाले जैस्मिन ये सब करके दिवांश नाल व्याह क्यों करवाना चाहेगी? ये रीटा अचानक मेरी साइड क्यों ले रही? हुण तक तो मेरे खिलाफ सी, फिर आज बड़ा साथ दे रही है। बस हुण इस गल ते होर बहस नहीं होएगी। हुण इत्थे उही होएगा जो चाची जी चाहुंदे ने। जे चाची जी नूं लगदा किस घर दे विच कोई झूठ बोल रहा है या चाची जी दे दिमाग दे विच किसे नूं लैके कोई शक है तां उह निकलना बहुत जरूरी है। उम्मीद करदी आं जैस्मिन कि तैनूं वी इस पूजा तों कोई तकलीफ नहीं होएगी, क्योंकि जे तूं सच्ची है ना तां इस पूजा तों बाद अपने आप साबित हो जाएगा कि तू बेगुनाह। इस नयन नूं तां मैं छड्डांगी नहीं। इन्हें बड़ी चलाकी दे नाल मैनूं फसाया। सो जैस्मिन नूं इस पूजा तों किसे तरह दे भी कोई तकलीफ नहीं है। पर जे अज पूजा तों बाद इह साबित हो जांदा है ना जैस्मिन कि तू मेरे दिवांश जिते कोई काला चातू या फिर वशीकरण किया तो बिना किसी के कुछ भी कहे इस घर तो अपना समान पैक करी कि हमेशा हमेशा लिए तो दूर चली जाए। तो जाते जाते मेरी दृष्टि की कस्टडी मैनू दे के जाए, क्योंकि किसी भी इंसान से अजिंह चीज़ों की वरतों करना जो दे जानलेवा हो वह गैर कानूनी। मैं तो कोई वशीकरण नहीं किया, पर दिवांश नूं देख के लगता है किसी होर ने पक्का कुछ किया। नहीं नहीं, मैं तेरी गल क्यों मनांगी? इत्थे मैनूं फसाया जा रहा, मेरा कोई कसूर नहीं। जे तो कुछ गलत नहीं किया तो डर क्यों रही है? मैं जानती हाँ जैस्मिन की सोच रही होनी है। स्वामी जी उसी पूजा शुरू करो। दिवांश अज तक सारे इम्तिहान कली नैन देंदी आई है, हुण अपने लिए कुर्बानी ते
इम्तिहान देने की वारी तेरी है। दिवांश जी घबरा क्यों रहे हो? स्वामी जी बहुत मन्ने पर मन्ने हैं। चानी जाने बाकी चाची जी ते भरोसा रखो, कुछ गलत नहीं होएगा। गुरु जी ने कहा कि हुण परीक्षा देने की वारी मेरी है। जिनेन चाहती है कि मैं इस पूजा च बैठा तो मैं पूजा जरूर करांगा। हुण जब नैन ने कह दिता तो मैनू इस पूजा च बैठन च कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे बिहेवियर नू लैके तुहानू सबनू की शक है। तुहाडे सब की खुशी लई मैं यह परीक्षा देने तैयार हाँ। तांत्रिक ने कहा सी जो प्रेत आत्मा इस घर च रहना चाहती है तो उन्हू अपना राह आप बनाना पेगा, पर दिवांश नू देख के ऐदा नहीं लगता कि इस वेले आत्मा उदे अंदर है। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री।